सो हे गाइस, ये व्लॉग मुझे थोड़ा जल्दी में डालना पड़ रहा है। कभी सोचा नहीं था कि ये व्लॉग मुझे अभी डालना पड़ेगा, बट आई हैव टू अपलोड दिस। एक्चुअली हो गया रहता ना कि बहुत सारे बंदों ने और बंदिया ने मुझे कमेंट सेशन में भर दिया है कि भैया चैम्प स्क्वायर का फीस क्या है, चैम्प स्क्वायर का फीस कैसा है, चैम्प स्क्वायर फैकल्टीज कैसी है, कैसा है, कैसी है, कैसा, बहुत ज़्यादा हो चुका था भाई। ठीक है, और मेरे को बिल्कुल पसंद अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे इतना ज़्यादा बोले और फिर मैं उसे रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। ऑलमोस्ट मैं कर ही था, बट इधर जब से ड्रोन वगैरह का सीन हो रहा है तब से मैं नहीं कर पा रहा था। सो लेट मी क्लियर यू कि देखिए, चैम्प स्क्वायर का जो फीस स्ट्रक्चर है, दैट जब आप वहाँ कॉल करते हो तो आपको वो बता देगा। ठीक है, और वो मतलब थोड़ा सा बार्गेन वगैरह हो जाता है अगर बोल दोगे, प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट भी होती है, तो उससे भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 1 ईयर रहना चाहते हो तो मेरे को जो पड़ा था, मेरे को इट कॉस्ट मी 60,000। ठीक है, मेरे को वो 60,000 रुपये लगे थे। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू कैन बार्गेन। अगर आप बार्गेन सही से करते हो तो आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा। अगर आप उतना अफर्ड नहीं कर सकते हो तो यू कैन टेल देम कि हाँ, हम उतना अफर्ड नहीं कर सकते हैं। सो कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है, वो लोग मैनेज कर लेते हैं उस चीज़ को। रही बात फैकल्टीज़ की, तो भाई फैकल्टीज़ का वैसा सीन है ना कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। ठीक है, एक टाइम में फिजी बहुत ही बेस्ट थी वहाँ पे, बट नाउ द चैम्प स्क्वायर इज द बेस्ट कोचिंग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं भी वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो 1 मिनट, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट। इज द सेकेंड टॉपिक इज कि बहुत लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भैया मैंने चैम्प से ज्वाइन किया है लेकिन कहीं गलती तो नहीं कर दी। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भैया सभी बोल रहे हैं कि हम बाद में छोड़ देते हैं चैम्प स्क्वायर, ऐसा क्यों होता है, ऐसा रीज़न क्या है चैम्प स्क्वायर छोड़ने का, वो मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ। एक्चुअली होती क्या है, देखिए चैम्प स्क्वायर में आपकी कंटिन्यूस क्लास होती है 5 आवर्स की। ठीक है, एक क्लास 2.5 मतलब 2.5 घंटे की एक क्लास होती है। सो गाइज देखिए, टाइम एक बार टाइम को मैनेज करना, प्लस उतना पेशेंस रखना, प्लस उसके पीछे हार्डवर्क करना। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे उस चीज़ के पीछे ना, तो आपको कोई भी अगर पढ़ाता है, ठीक है, उसे अगर नहीं समझते हो आप, तो आप टीचर से क्वेश्चन पूछो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज़ हेल्प करो मेरी। तो सर वहाँ पे हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सर से आप 100 बार पूछोगे, सर आपको 100 बार बताएंगे। डाउट क्लासेस भी होती रहती है, मैं खुद पर्सनली मैं 11 बजे 12 बजे आता हूँ रात में, और रात में मैं 8 बजे के आसपास आता हूँ क्लास वगैरह कुछ खत्म करके। सो इट कम्प्लीट डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह से आप हार्डवर्क करते हो, किस तरह से आप मेहनत करते हो। अगर आप मेहनत सही से करोगे तो आप कभी नहीं छोड़ने वाले हो, और छोड़ते वो वही है जो कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन छोड़े क्लास क्लास लीव कर रहा है। बैकलॉग उतना ज़्यादा यार, कुछ बंदा संभाल ही नहीं पाता है, बैकलॉग ही इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको कवर करने में इंसान की फट जाती है। ठीक है, छोड़ने का और कोई रीज़न नहीं है भाई। जो बंदा समझता नहीं है वो एक बहाना देता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है वहाँ पे सब कुछ। जो बंदा मेहनत नहीं कर रहा है वही बंदा ये लाइन बोल रहा है कि हाँ मेरे से नहीं होगा, वहाँ कोचिंग में सही से पढ़ाई नहीं होती है। सो दिस इज़ रॉन्ग, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। और इसके बाद थर्ड टॉपिक मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है गाइज, देखो रही बात फैकल्टीज़ की, तो जब तक आप खुद से उसे फेस नहीं करते हो तब तक आपको समझ भी नहीं आया कि उसकी फैकल्टीज़ कैसी है। बट फिर भी अगर आप मुझ पर उतना बिलीव करते हो तो मैं आप लोगों को यही बात बोलूँगा कि आप लोग आँख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक टाइम में फिटजी अच्छी थी, फिर उसके बाद ब्रदर्स अच्छी हुई, बट नाउ द चैम्प स्क्वायर इज़ द बेस्ट। मैं फील कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है मेरा 11th सही से नहीं गया था, पूरी 11th मैंने झक मार दी थी। सच बता रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, पूरी 11th मैंने झक मारी हुई थी, बट नाउ अच्छी है, 12th मेरी अच्छी है। और इतना तो कॉन्फिडेंट अभी तक हो चुका है कि हाँ भाई मेंस मेरा क्लियर हो जाएगा। एडवांस का भी मैं नहीं बोल सकता, बट मेंस मेरा क्लियर हो ही जाएगा 100%। सो कोई इस पर कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं खुश हूँ। और एक और बात, आप लोग कमेंट में बहुत बहुत सारा बात बोले जा रहे थे भाई। मैं ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करना चाह रहा था, मैं बहुत रिप्लाई करना चाह रहा था, सॉरी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो बट अब रिप्लाई मिल गया आप सभी को, होप। देखिए फीस वगैरह का अगर कोई 2 ईयर्स में लेता है तो समझ लो उसे कुछ कम भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही पड़ेगा, कुछ कम ही पड़ जाएगा, मे बी 120 में ही हो जाए पूरा। सो एक बार जाओ, पहले पता करो, पूछो उनसे। चैम्प स्क्वायर का नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा इजीली, आप सर्च तो करो, एटलीस्ट आपको मिल जाएगा अच्छे से। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगी प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करना। मैं ऐसे ईमेल दे देता हूँ, फिर इंस्टाग्राम पर मुझे प्लीज़ मैसेज कर दो, मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूँगा आपके साथ। ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से मुझसे बात कर लो।